अभी चयन करना हमारे लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती थी, लेकिन मैक्सिमम आपसी सहमति के माध्यम से आज जिन सीटों को हम सुलझा पाए उनमें हमारे पास गोहाणा से सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया है। भिवानी से श्रीमती अमन तंवर राघव ये विधानसभा संख्या 57, सिढ़ौरा से श्री नाथी राम खेड़ा, करनाल से वीरेंद्र शर्मा जी, असंत से श्री मंजीत पांचाल जी, हांसी से हरिराम सैनी जी, लोहारू से राजकुमार खट्टर जी, हिसार से श्रीमती गीता सैनी जी, उन्हाना से श्री अहमद तारी तौफीक जी, महेंद्रगढ़ से मुकेश छाजियावास, फतेहाबाद से भीम झिंजर जी, परिथला विधानसभा क्षेत्र से श्री कल्याण शर्मा जी, डबवाली विधानसभा से संतलाल जी छिपोला, ऐलनाबाद से रामस्वरूप जैन जी, रानिया से नौरंग प्रजापति जी, जगाधरी से नरेश कश्यप जी, भादुरगढ़ से किशन पांचाल जी, कृत्यथल से श्री श्याम मांडी जी, नारनौंद से संजय कुमार जी, गुलनौर से नीरज त्यागी जी, हल्का खरकोटा से सागर बखेता जी, जुलाना से रामभूल शर्मा जी, तो शाम से मणिराम सरोहा जी,
सोना से दयाराम सैनी जी, फरीदाबाद एनआईटी से आरपी गौड़ जी, शाहबाद से कुलवीर कठुआ, गुला से राजकुमार चित्रा पत्रकार, जमुनानगर से सतीश त्यागी जी, संभालखा से श्री नेत्रपाल रावत जी, नेत्रपाल रावत जी, पानीपत सिटी से विजय कालड़ा जी, और अंबाला से स्वर्णपाल सचदेवा जी, अंबाला सिटी। यार वो क्यों नहीं डाले हमने अंबाला के बाद? बता दो वैसे आज हम बड़ी मुशक्कत से इस नतीजे पर पहुंचे कि जहां लोगों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को स्वीकार करके कार्यकर्ताओं के बीच में इसमें विशेष तौर पर पार्टी के अंदर अभी कुछ कम्युनिटी और बैलेंस हैं जहां पर कार्यकर्ता हमारे पास नाम आए हुए हैं, लेकिन उन जगहों पर जहां पर सभी जातियों का समावेश हो सके, पार्टी के अंदर सभी को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, कुछ टिकटें ज़्यादा हो गई हैं और कुछ टिकटें अभी मतलब अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें हम एक पहेवा सीट भी इसमें नोट करो, पहेवा सीट जो नसीब से पहेवा का भी इसमें नाम रहेगा अभी। हाँ नहीं, हम इसमें छूट गया था, पहेवा सीट से भी हमारा नेक्स्ट लिस्ट में दी। हमने इसमें सभी जातियों का समावेश करने का प्रयास किया है ताकि उचित प्रतिनिधित्व सभी को मिले और लोग अपने लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को मिटा सकें, और जिसमें हमारे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, और इसमें महिला, और इसमें जो पहली लिस्ट में भी और इसमें भी महिलाओं की भागीदारी विशेष तौर पर ध्यान रखी गई है। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ सभी राजनीतिक दलों ने भेदभाव करके राजनीति का व्यापारीकरण हुआ है, इस व्यापारीकरण को रोकने के लिए हमने उन कार्यकर्ताओं को जगह दी जो सिर्फ काम तो कर सकते हैं लेकिन हो सकता है उनके पास करोड़ों रुपए ना हो, लाखों रुपए ना हो, लेकिन उन लोगों को हमने जगह दी है कि आप जनता से जुड़े हुए लोग इस फील्ड में आए, जो जन भावनाओं की कदर करें, जनता के बीच में रहें, और इसका व्यापारीकरण ना हो। इस व्यापारीकरण को आज कांग्रेस और बीजेपी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से 10-10 5-5 करोड़ रुपए की टिकटों की बोली लग के लूटने का जो प्रयास हो रहा है, और फिर जन सेवा खत्म हो गए सिर्फ इसकी सौदेबाजी के माध्यम से लोग राजनीति में आए। हमारी पार्टी का मुख्य ध्येय रहेगा कि हर वर्ग को, हर कास्ट को प्रतिनिधित्व मिले,
घर में एक बच्चे को रोजगार मिले, किसान और मजदूर पर खाली भाषण ना दिए जाए, सारी मनरेगा स्कीम के जितने छोटे किसान और मजदूर हैं उसको उसका लाभ मिले, और देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हम 100% सबको सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। जिस प्रकार से बीजेपी आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, वही आरोप आज भ्रष्टाचार के बीजेपी के ऊपर लोग दिन और रात पुतले फूंक रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, लोग पैसे के बलबूते टिकटें खरीद के ला रहे हैं। जो कांग्रेस में हाल था वही आज बीजेपी का भी हाल, और मैं दूसरे लोगों का तो क्या कहूँगा। अब जो उनसे बागी हुए लोग हैं अब वो इधर उधर छलांगे लगा करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के हितों का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टियां भगौड़े लोगों की तलाश में बैठी हैं कि भाई इधर से आएगा कोई छूट करके उसको टिकट देंगे, इधर से आएगा कोई छूट करके उसे टिकट देंगे। हमारी पार्टी में जो लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इनमें से एक भी सीट हमने किसी तरह से भगोड़े लोगों को या उन लोगों को नहीं दी जो मौका प्रस्त है। मौका प्रस्त लोगों के लिए हमने पहले से ही दरवाजा बंद कर रखा है, और हमारी सीधी सीधी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, हम लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए आज की इस लिस्ट के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को जो करोड़ापति भी नहीं है, लाखों पति भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रतिनिधि हैं, जन भावनाओं से ओतप्रोत हैं और जनता के बीच में काम करते हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सर्वसम्मति से हमें ये फैसले लेने के लिए अपना सहयोग दिया। और आप सब भाइयों से भी मैं विशेष कहूँगा कि मीडिया का हमें भरपूर सहयोग मिलता रहा है, आज भी हम आपसे अपील करते हैं कि इन कार्यकर्ताओं के पास हो सकता है मीडिया हाउसेस तक अपनी खबरें छपवाने की इनकी हैसियत ना हो, लेकिन चौथा स्तंभ जो मीडिया है उससे भी मेरी विशेष अपील है कि हम अपने प्रजातंत्र को, जिसका आज कोई किसी भी रूप में अंश दिखाई नहीं दे रहा, ना तो प्रशासन में, ना शासन में, और ना चुनाव में, और ना मीडिया के बीच में, जो आज बड़े बड़े चैनल अखबार सिर्फ और सिर्फ बड़ी पार्टियों को तरजीह देकर के आम जनता के बीच में उनकी बात लिखने में संकोच कर जाते हैं। मेरी अपील है कि जनता के उन सीधे छोटे छोटे जो जनता के बीच में दुख और दर्द के बीच में समाहित रहते हैं उन गमसे जाते हैं। नमस्कार। आज शैलेंद्र साख्या और नसीम की भी लिस्ट में नाम नहीं है, वो बाद में आए थे। नसीम का भी हमने फिर वो नसीम कहाँ से पचास हो गए बस इनके ऊपर